इंदौर के राजेंद्रनगर थाना क्षेत्र में दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते विवाद हुआ, जिसके बाद खूनी संघर्ष हुआ। मामला इंदौर के तेजपुर गड़बड़ी का है। यहाँ रहने वाले गोलू से किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद सचिन गोस्वामी अपने ड्राइवर अलीम खान के साथ पहुंचा था। विवाद इतना बढ़ गया कि सचिन और अलीम ने गोलू पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें गोलू गंभीर घायल हो गया। गोलू पर हुए हमले की सूचना मिलते ही उसके 10 से 15 साथी मौके पर पहुंचे और उन्होंने चाकू, तलवार और लाठियों से सचिन और अलीम पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर घायल हो गए। घायल गोलू को उसके साथी इलाज के लिए नजदीकी निजी अस्पताल लेकर आए, जहां उसकी मौत हो गई। की कोई वजह तो मेरे को भी नहीं पता, उसको ही मालूम है। पुराना कोई विवाद था आपका? हाँ, पुराना ही तो काय का विवाद था। कोई बातचीत तो पहले लड़ाई हुई थी, मेरे को उसका नहीं पता। किस बात पे लड़ाई हुई थी आप पे? नहीं पता मेरे को बहुत। ये जब साथ में, ये कौन? ये मेरा सेठ है। सेठ है, इनकी गाड़ी चलाता हूँ। 103 मल्टी के वहाँ झगड़ा होने की सूचना पर पहुंचे थे, जहाँ तीन घायल थे। एक घायल गोलू है, उसको मोहल्ले के लोग और परिजन उठा के ले गए थे हॉस्पिटल, जिसको चोइथराम हॉस्पिटल भर्ती किया गया। बाकी दो घायलों को 108 से MYH भेजा गया था, जिसमें एक का नाम सचिन होना ज्ञात हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।